मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में, और प्रोनाउन के बारे में समझेंगे, ठीक है। इससे पहले भी हमने प्रोनाउन के बारे में बात की थी, लेकिन आज हम केवल एक पर्टिकुलर एक यूज़ होता है, एक तरीके से हम समझते हैं ना कि यूजेस के बारे में भी कुछ आते हैं। अगर हमें पर्टिकुलर इंग्लिश बोलनी हो किसी के सामने, तो इट का जो उपयोग है वो हम कैसे करते हैं, इसके बारे में आज जानेंगे, ठीक है। जो इट का प्रयोग है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो आज हम सीखेंगे किस तरीके से हम इट का प्रयोग करते हैं, किस तरीके से बोलते हैं इट को, किस तरीके से हम सेट कर सकते हैं किसी भी जगह पे, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है इसमें आपको यूज़ ऑफ इट, मतलब इट का प्रयोग, ठीक है। देखिए इट का प्रयोग जो है, हम समय, तारीख, दिन, मौसम या कई सारे ऐसे होते हैं वाक्य जिसमें समय हम कर्ता के रूप में इट का उपयोग करते हैं, ठीक है। कर्ता मतलब कि आप खुद, ठीक है, कर्ता मतलब समझ रहे हो, कार्य को करने वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्टली हम इट का उपयोग के बारे में सीखेंगे, कैसे कैसे इट का उपयोग करते हैं। कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं एग्जांपल, इसका मैं आपको इंग्लिश बताऊँगा, हिंदी ऑलरेडी लिखी हुई है, मैंने इसलिए लिखी है कि आपको लेट ना हो इसीलिए, ठीक है। वरना मैं इसको लिख के भी बता सकता था, लेकिन आपको लगता है कि चलिए ठीक है, सर ने पहले से ही लिखा हुआ है, तैयारी की होगी, लिखा हुआ कहीं से नकल मारे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है। देखिए क्या है कि अभी मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगा ना तो तुरंत तुरंत लिखूँगा और तुरंत तुरंत आपको बताऊँगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जल्दी हो जाए, जल्दी समझ में आ जाए तो ही बेहतर रहता है। तो चलिए हम बात करेंगे वो सब। अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। चलिए बात करते हैं कि अभी 3 बजे हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि कितने बज रहे हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे अभी 3 बजे हैं। तो उसको आपको बोलने का तरीका होना चाहिए, किस तरीके से बोलेंगे। तो आपको बोलना होगा कि इट इज़ 3 नाउ, ओके, इट इज़ 3 नाउ, मतलब अभी 3 बजे हैं, ओके। अगर आपसे कोई पूछते कि अभी कितने बजे हैं, तो आपको बोलोगे इट इज़ 3 नाउ। नेक्स्ट एक ही लिखा हुआ है कि क्या कल बुधवार था, लिखा हुआ है कि क्या कल बुधवार था, तो आपको क्या बोलना होगा कि क्या कल बुधवार था, तो आप क्या बोलोगे। यहाँ पे देखिए था का उपयोग हुआ है। अभी तो हम टेंस के बारे में बात नहीं करें, जब हम टेंस के बारे में सीखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊँगा। पहले इसको देख लीजिए, इट का प्रयोग कि क्या कल बुधवार था, तो यहाँ पे था का यूज़ हुआ है, मतलब यह पास्ट टेंस का गया हुआ है, ठीक है। तो पास्ट टेंस में जाते ही आपको क्या करना होता है, अगर क्या के बारे में हो तो ये कैसा हो जाएगा, एक तरीके से प्रश्नवाचक वाक्य है। कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ पूछ रहा है, अगर कोई आपका दोस्त पूछे कि क्या कल बुधवार था, तो आप क्या बोलोगे, वॉज, क्या बोलोगे, वॉज इट वेडनेसडे, एक्सटरडे, वॉज इट वेडनेसडे एक्सटरडे, क्या कल बुधवार था। देखिए यहाँ पर वेडनेसडे और एक्सटरडे आपको अच्छे तरीके से समझना चाहिए, और वॉज का भी उपयोग समझना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं यह पास्ट में उपयोग हुई है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछते कि क्या कल बुधवार था, तो आप बोलेंगे वॉज इट वेडनेसडे एक्सटरडे। नेक्स्ट है कि आज रविवार है, तो आप क्या बोलोगे, आज रविवार है, तो आप बहुत लोग बोलेंगे टूडे इज संडे, लेकिन अगर हमें इट का उपयोग करना हो तो बोलेंगे इट इज संडे टूडे, it is Sunday today, ठीक है, it is Sunday today। तो अगर आपको पूछ ले कोई कि आज रविवार है, तो बोलोगे it is Sunday today, ओके। बहुत लोग बोलते हैं today is Sunday, मतलब आज रविवार है। आप ऐसा भी बोल सकते हो इट इज संडे टूडे, किसी भी वाक्य को आपको कई तरीके से बोलना आना चाहिए, तभी तो आपकी कोई पहचान बनेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि आज 7 जुलाई है। अगर कोई पूछते हैं कि
आज कौन सी जुलाई है, मतलब कौन सा महीना है, कौन सी तारीख है, तो आप क्या बोलोगे? आज 7 जुलाई है। इट इज़ द 7th of July टुडे। इट इज द 7th of July टुडे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कुछ बहुत सारे एग्जांपल हैं, लगभग 5 हो गए हैं, 5 मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से लगभग मैं आपको 7-8 बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए है कि बाहर बहुत गर्मी है। अगर कोई पूछते कि अरे हाँ आज तो गर्मी है, तो आप क्या बोलोगे? बाहर बहुत गर्मी है, मतलब इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड। इट इज़, अगर हम इट का उपयोग करना हो तो इट इज़ वेरी हॉट, वेरी हॉट आउट साइड। देखिए मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो आप समझ लीजिएगा। इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड, मतलब बाहर बहुत गर्मी है। ये क्या हो गया? इट इज़ द 7th of July टूडे, मतलब आज 7 जुलाई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बाहर बहुत गर्मी हो गई। अगर हम पूछते कि कल बहुत ठंडी थी, तो क्या बोलोगे? यहाँ पर लिखिए कल बहुत ठंडी थी, कल बहुत ठंडी थी। ओके, तो इसका अगर आपको बोले तो इट वॉज वेरी कोल्ड एक्स्ट्रा डे। इट वॉज वेरी कोल्ड एक्स्ट्रा डे। ओके, इट वॉज वेरी कोल्ड एक्स्ट्रा डे, कल बहुत ठंडी थी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, यहाँ से मुंबई 100 किलोमीटर। ठीक है, या 100 किलोमीटर लेते हैं, 100 मील लिखते हैं। ठीक है, 100 किलोमीटर है, तो आपको क्या बोलेंगे? इसमें अगर हमें इट का उपयोग करना हो तो कहेंगे कि इट इज़ 100 किलोमीटर टू मुंबई फ्रॉम हियर। इट इज़, पहले देखिए आपको एक चीज़ सीखने की, जो इट है वो हमेशा आपको पहला आई कैपिटल से बनाना है और टी आपको छोटे से बनाना है। ठीक है, तो इट इज़ 100 किलोमीटर। ठीक है, के एम लिख सकते हो आप, किलोमीटर टू मुंबई, MUM। ठीक है, MUM BAI मुंबई फ्रॉम हियर। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? इट इज 100 किलोमीटर टू मुंबई फ्रॉम हियर, मतलब यहाँ से मुंबई 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में आपने ये जो 7 एग्जाम्पल को समझा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल थे। ठीक है, एक और मैं आपको डायरेक्टली बात कर लेता हूँ। ये है कि अगर बात कर लें कि आज तारीख क्या है, मतलब आज कौन सी डेट है या तारीख, सिर्फ एक ही होता है ना, तो व्हाट डेट इज इट टूडे। व्हाट डेट अगर पूछ लें, WHD, व्हाट डेट इज इट टुडे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इट का उपयोग हुआ है, इसका मतलब होता है कि आज तारीख क्या है, मतलब तारीख कौन सी है। एक तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो व्हाट डेट इज इट टुडे, मतलब आज तारीख क्या है। ओके, अगर कोई कहे कि आज मेरा बर्थडे है, तो आप बोलोगे इट इज़ माई बर्थडे टुमारो। सॉरी, अब आज अगर बात कर लें तो टुडे हो जाएगा, कल बात कर लें तो टुमारो हो जाएगा। आज मेरा बर्थडे है, तो अगर आज की बात कर लें तो इट इज़ माई बर्थडे टुडे। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, देखते हैं कि उसके बारे में क्या समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है और टॉपिक पे आपको लिखा हुआ है कि कभी कभी हम निर्जीव वस्तुओं अथवा छोटे बच्चों के लिए भी इट का उपयोग करते हैं। जैसे निर्जीव वस्तु, जैसे लाइक चेयर, कुर्सी, एक ही होता है, चेयर हो गई, टेबल हो गई, फैन हो गया और पेन हो गई, तो
इन सब चीज़ों के लिए भी हम इट का उपयोग करते हैं, कभी कभी निजी वस्तुओं के लिए भी यूज करते हैं और बच्चों के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल आपके सामने देखिए लिखा हुआ है कि अगर आप कुर्सी पर बैठोगे तो कुर्सी टूट जाएगी। मतलब अगर कोई मोटा आदमी है, अब बोलोगे कि अगर आप कुर्सी पर बैठोगे तो कुर्सी टूट जाएगी। इफ़ यू सिट ऑन दिस चेयर क्या हो जाएगा, इफ़ यू सिट ऑन दिस चेयर। आप देखिए थोड़ा सा इसमें आपको जो हमारी हैंड राइटिंग है थोड़ी सी आपको अच्छी नहीं लगेगी, बट आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो क्या हो गया, अगर आप कुर्सी पे बैठोगे तो चेयर टूट जाएगी। इफ यू सिट ऑन दिस चेयर इट क्या हो जाएगा, इट विल ब्रेक। ब्रेक मतलब टूट जाएगी। ओके, तो BREAK ब्रेक मतलब टूटना। ओके, अगर आप कुर्सी पे बैठोगे तो वह टूट जाएंगे। ठीक है, तो इफ़ यू सिट ऑन दिस चेयर इट विल ब्रेक। तो इस तरीके से आपको समझ लेना है। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देखिए कि हर बेबी वॉज बॉर्न इमैच्योर, हर बेबी वॉज बॉर्न इमैच्योर बट इट वॉज कम्प्लीटली हेल्दी। ओके, आपका जो बच्चा है वो इमैच्योर है बट, ठीक है, अगर बोलें कि हर बेबी वॉज बॉर्न, बॉर्न मतलब होता है पैदा होना। ठीक है, बॉर्न इमैच्योर, ठीक है, बट इट वॉज कंप्लीटली, ठीक है, हेल्दी। ओके, आपका जो बच्चा है, जिसे आपका जो बच्चे का बर्थ हुआ है वो इमैच्योर है बट ही वॉज कंप्लीटली हेल्दी, मतलब वह पूरी तरीके से स्वस्थ है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही बताएंगे, नेक्स्ट टॉपिक की बात हम कल और करेंगे। ठीक है, इम्प्रेसमेंट के बारे में बात करेंगे, अभिव्यक्तिवाचक के बारे में। ठीक है, उसका एग्जांपल जैसे कि बारिश हो रही है, बर्फ गिर रही है, राहुल जा रहा है, इस तरीके से जो एग्जांपल होंगे उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।